एथलेटिक्स की सबसे बड़ी बात ये खुद से कंपटीशन होता है, हमको खुद का बेस्ट करने के लिए खुद को पुश करना है। फोर्थ को फाइनल है, अच्छा करेंगे उसमें बढ़िया। 2018 से लेके अभी तक नीरज भाई कंसिस्टेंसी जो है आपकी बहुत जबरदस्त रही है, एक आधा ऊपर नीचे हुआ है लेकिन कंसिस्टेंसी रही है। आपको लगता है कि जो फॉर्मूला है आपका वो यही है कि कंसिस्टेंट रहो, फोकस्ड रहो, ट्रेंड पीछे हो? नहीं बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि कंसिस्टेंट सिर्फ थ्रो में ही नहीं, अपना ट्रेनिंग में भी कंसिस्टेंट लगातार ट्रेनिंग करते रहो, अपने जो टेक्निक है उन पे कंसिस्टेंट काम करते रहे तो बिल्कुल वो कंसिस्टेंसी बनी रहती है। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी होती है, जैसे पिछला साल काफी अच्छा रहा था, इम्प्रूवमेंट हुई थी, दो बार नेशनल रिकॉर्ड हुआ और इस बार भी अच्छा लग रहा था, बट वही है कि थोड़ा बहुत इंजरी वगैरह चलती रहती है तो वो थोड़ा रुकावट बन जाती है, बट अच्छा है, सब बढ़िया है। कंसिस्टेंसी जो है वो अच्छा लगता है कि कंसिस्टेंट है परफॉर्मेंस। 2018 से 2023 में जब आप आए हैं तो जी, एक माइंडसेट दूसरों की तरफ भी दिमाग में क्या देखते हैं जो भारतीय एथलेटिक्स की तरफ बदला आपके मेडल के बाद? बिल्कुल जी, सबसे बड़ा तो मुझे जो खुद एथलीट्स के मुंह से सुनना बहुत अच्छा लगता है, जब वो बोलते हैं कि उनको एक बिलीव हो गया कि हम भी जीत सकते हैं, यही मेरा सबसे बड़ा मैसेज था कि ठीक है मेडल तो आ गया लेकिन सबसे बड़ा मैसेज यही था कि हम भी इनके बीच में कम्पीट कर सकते हैं, यूरोपियंस या बाहर के यूएसए के एथलीट हैं जिनको हम मानते थे कि शायद से बहुत टफ है, उनके बीच में खेलना और जीतना पॉसिबल है, तो वो मैंने वही चीज बोली थी और वो सबसे अच्छा लगा है फील करके कि उनको अभी वो चीज लग रही है कि हम भी जीत सकते हैं और आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं एथलेटिक्स की कितनी बढ़िया है। उसमें बिल्कुल गवर्नमेंट बहुत अच्छा, टॉप्स, साई, फेडरेशन सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं और बिल्कुल मैं थैंक यू करता हूं, जो प्राइवेट स्पॉन्सर्स भी हैं वो भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो ऑल ओवर सभी का एफर्ट है जो अपना इंडियन स्पोर्ट एथलेटिक्स ऊपर उठ रहा है। अभी तक यहाँ पे तो नहीं मिला, मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में मिला था तो होपफुली यहाँ पे मिलेंगे। आप थोड़ा रीसेंट प्रोसेस के बारे में बताएंगे डायमंड लीग से यहाँ तक, मींस टेक्निकली अगर आप थोड़ा सा टच कर पाए डॉक्टर क्लॉस के इनपुट्स और जो एशियन गेम्स में यू हैव नथिंग टू प्रूव, यू हैव डन इट ऑल, ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, एशियन गेम्स चैंपियन, तो वो जो मोटिवेशन लेवल है वो एशियन गेम्स के लिए ऊपर रखना, उस प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा अगर आप, इफ यू कैन टेल मी। नहीं बिल्कुल, ट्रेनिंग में जो फोकस रहता है टेक्निक पे तो वो तो मेन वो चैलेंज होता ही है कि कॉम्पिटिशन में कैसे उसको दोबारा उसको दिखाएं, क्योंकि कंपटीशन में बॉडी लैंग्वेज या बॉडी कंडीशन बिल्कुल अलग होती है, तो वही फोकस रहेगा कि कैसे टेक्निक को प्रॉपर करके और एफर्ट लगा सकें, वही सबसे बड़ा चैलेंज होता है और वही फोकस होता है सबसे बड़ा, तो वही कोशिश करेंगे। आपने कुछ अपनी इंजरी के बारे में भी कुछ डिस्कस किया कि थोड़ा ग्रोइन आपको ट्रबल दे रहा है? हाँ वही, वो टेक्निक उसी वजह से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है क्योंकि टेक्निकल स्पोर्ट है काफी जेवलिन, और अगर थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं कुछ खिंचाव है तो वो मसल खुद को बचाती है तो उससे पूरी टेक्निक खराब हो जाती है, तो वही चैलेंज होता है कि कैसे उसको टेक्निक को प्रॉपर वो करें। नीरज, छोटा स्टेडियम और बड़ा स्टेडियम जी क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा दर्शक का फर्क पड़ता है या पूरा माहौल ही बदल जाता है क्योंकि यहाँ का स्टेडियम काफी बड़ा है? आप बिल्कुल कोई इसमें बिल्कुल जी, मैं कल गया था स्टेडियम में और बड़ा स्टेडियम मुझे बहुत पसंद है, हमेशा ही मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बहुत पब्लिक होती है, भरा होता है स्टेडियम, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सभी तरह का एक्सपीरियंस किया है जी, अपनी बेस्ट मैंने छोटे स्टेडियम में भी की है, बड़ों में भी कई बार हुई है, और पिछली बार टोक्यो में जो एक्सपीरियंस किया, स्टेडियम तो बड़ा लेकिन लोग नहीं थे वहां पे, तो फर्स्ट टाइम ऐसे नहीं सर बड़ा तो क्या सर, वो तो चलता रहता है स्पोर्ट्स में, लाइफ में हमेशा इंसान बढ़ता रहना चाहिए, बस अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए, खुश रहो, बस वही है सबसे बड़ी चीज। तो और वर्ल्ड चैंपियनशिप में काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस बार, स्टेडियम भरा हुआ था, फुल था और अच्छा लगा, और यहाँ पे भी काफी अच्छा लगेगा। नीरज भाई एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाह रहा था, हमेशा आप ये बोलते हैं कि स्पोर्ट में टीम बॉन्ड वाला होता है, हम किसी एक कंट्री के अगेंस्ट हम नहीं खेल रहे होते हैं, अलग अलग देशों के खिलाफ खेल रहे होते हैं, साथ में खेल रहे होते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा होता है ना कि जब भारत के साथ पाकिस्तान खेल रहा होता है तो वो बातें आती है कि हाँ जी है ना, तो बिल्कुल आती है। बस मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूँ कि एज एन एथलीट और इतना बड़ा नाम आप बन चुके हैं, आपके ऊपर में एक एडिशनल क्या प्रेशर होता है कि यार ऐसा नहीं हो कि है ना, मतलब कंट्री की इमेज वाली बात रहती है? सर देखो, कंट्री की इमेज मुझे लगता है कि सिर्फ एक के उस पे नहीं होता, सभी स्पोर्ट्स में होता है, ऐसा नहीं है कि वो भी तैयारी करते हैं, तो ऐसा तो मतलब अभी तक तो यही हुआ है कि हमेशा जहाँ खेले हैं, अगर अरशद नदीम की बात करें तो वहां से हाँ जीते हैं, तो वही है कि अगर जो भी होगा वो चीज भी एक्सेप्ट करेंगे, तो अपनी तरफ से तो वही मेन फोकस रहता है कि जब खेल रहे हैं तो फोकस वही रखें कि अपना बेस्ट कैसे कर सकें, उसमें ये माइंड में नहीं होता कि कौन साथ में खेल रहा है तो